हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एक नए चैप्टर के साथ आज फिर आप लोगों के सामने है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पूरी तरीके से अपना कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है हमारे पास में पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसे हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बच्चों हमें 95 लेक्चर लगे, 95 लेक्चर, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, क्योंकि एक तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे खासे बिल्ड हो गए हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों को पता हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को होने वाली है नहीं यहाँ पर। समझ आ रही बात आप लोगों को? ओके, मैं आपको दो बातें बता देता हूँ स्टूडेंट। एक बात तो यही कि हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात यह है कि साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिविज़न भी करके चलेंगे। रिविज़न का जो शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं आप लोगों को डेली 2 से 3 प्रॉब्लम पहले NCERT की सॉल्व कराऊंगा। जब हमारी NCERT की प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, टेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी और जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं वो भी, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर JEE और प्रीवियस ईयर एडवांस करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि सब कुछ कहीं ना कहीं हम लोग कर चुके हैं पहले ही, उन्हें जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कराऊंगा या NCERT के कराऊंगा वो पहले ही मैं आप लोगों को चैप्टर के बीच में कहीं ना कहीं बता चुका हूँ, लेकिन रिविजन करना है जिससे कि हमें सारी चीज़ें याद रहें बच्चों। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अपनी यूनिट पे स्टूडेंट। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। देखो बच्चों, जब हमने आपका सिलेबस स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि भैया 12th की जो फर्स्ट बुक है उसका मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वो हमारी फर्स्ट बुक जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाती है। समझ आ रही है बात? और मैंने आपसे कहा था कि 12th के सिलेबस में आप इलेक्ट्रॉन की 3 कंडीशंस को पढ़ेंगे। कंडीशन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, जिसे हम लोगों ने प्रीवियसली अभी नाम दिया है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस को दिखाता है, ये सारी चीजें स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नंबर 2 पर बच्चों हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है ना बच्चों, या प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल आइदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, जब वो चलने लगता है तो ये सिचुएशन हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जो यूनिट अभी हम लोगों को पढ़नी है बच्चों। और नंबर 3 पर हमारे सामने आता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होने लगता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने लगती है या इलेक्ट्रॉन की स्पीड घटने लगती है, वो कंडीशन हम लोगों की कहलाती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलेटेड है हमारी सेकेंड बुक के साथ। यानी ये समझिए कि पूरी की पूरी 12th की फिजिक्स में हम सिर्फ एक बात पढ़ रहे हैं और वो है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में रहना, इलेक्ट्रॉन का मोशन करना, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेट करना। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में रहना ऑलरेडी हम लोग पढ़कर आ चुके हैं बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन में रहने की, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो क्या होगा, या कोई चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब वो चलेगा, जब वो मोशन करेगा तब क्या होगा, तब कौन सी सिचुएशन होने वाली है, करंट बनेगी कैसे, करंट कैसे बनेगी, करंट क्यों बनती है। किसी मेटल के पीस में जब तक उसे सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है तब करंट क्यों नहीं बनती है, जैसे ही सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तब ही करंट क्यों बनती है, जैसे ही हम किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो करंट बनेगी, हीट कहां से निकलती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है,
प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड चैप्टर है, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस यूनिट को, नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, जरा देखें। हम क्या कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हम कहेंगे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल के जो मोशन की कंडीशन होंगी। जब चार्ज पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करेगा उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर जब चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, नेगेटिव पार्टिकल हो या पॉजिटिव पार्टिकल हो, जब वो पार्टिकल मोशन में होगा बच्चों, तो मोशन में रहने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये सारी बातें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने एक बहुत शानदार इमेज मैं लेकर आया हूं, आप लोगों को दिख रहा है। जैसे ही किसी वायर के ऊपर, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक बातें बता रहा हूं, जैसे ही हम किसी वायर के ऊपर, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, जैसे ही हम किसी वायर के ऊपर सप्लाई को लगाते हैं बच्चों, जैसे ही हम किसी वायर के ऊपर सप्लाई को लगाएंगे तो क्या होगा, वायर के ऊपर सप्लाई को लगाने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि भाई कोई भी मटेरियल है वो मिलकर बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के अंदर हैं एटम्स और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आ रही है बात? यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं जो उसके अंदर चार्ज कैरियर यानी करंट कैरियर का काम करते हैं। अब जैसे ही हम किसी मेटेलिक वायर के ऊपर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे ना बच्चों, तो मेटेलिक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, या मेटेलिक वायर के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे और उनके मोशन करने से ही करंट बनेगी। यानी मैं आप लोगों से एक बात कह दूं बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, चाहे वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो या चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, समझ आ रही है बात, किसी भी तरीके का मोशन क्यों ना हो तभी आपकी करंट बन जाएगी बच्चों। जैसे कि अब दो तीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। जैसे कि एटम के बारे में सबने सुना है, बहुत बेसिक है, हम लोग कई कई बार पढ़कर आ चुके हैं और एटम के अंदर हमने बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं बच्चों। उन मॉडल का एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। अब हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला सबक हमारा ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो तब करंट बनती है, जब चार्ज पार्टिकल अपनी जगह से मूव करता है तब क्या बनती है, तब करंट बनती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एटम के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने से बताओ करंट बनेगी या नहीं बनेगी, डेफिनेटली करंट बनेगी। यानी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने से भी करंट बनती है बच्चों। तो पहला सबक इस पूरी यूनिट का, जो पहला रिजल्ट है आपके सामने, वो ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तभी करंट बनेगी। अब आप एक बात मानो भाई, मेरे पास में ये मार्कर है, मैंने मार्कर के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी एक चार्ज मैंने इसके ऊपर फैला दिया, और फैलाने के बाद में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने मार्कर को इस तरीके से फेंक दिया, समझ आ रही बात। अब मुझे एक बात बताओ, मार्कर क्या कर रहा है, मार्कर मोशन कर रहा है, कर रहा है मोशन, मार्कर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, क्या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर मार्कर मोशन करेगा तो उसके ऊपर वो जो चार्ज बैठा हुआ है वो भी तो मोशन करेगा। अबे करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, वो भी मोशन करेगा। तो उसके मोशन करने से क्या होगा, उसके मोशन करने से करंट बनेगी, क्योंकि पहली बात हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही सीखी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तभी करंट बन जाती है बच्चों। तो मार्कर ने मोशन किया, मार्कर के ऊपर जो चार्ज बैठा हुआ है उसने भी मोशन किया, बताओ किया या नहीं किया, और उसके मोशन करने से करंट डेवलप हो गई। समझ आ रही होगी बात, उम्मीद करता हूं। ठीक है, जैसे भाई आप ये देखो, अर्थ के ऊपर
गैसियस एनवलप है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, बहुत सारे स्फीयर्स हैं। सन की लाइट जब उन गैसियस एनवलप के ऊपर पड़ती है, ठीक है, गैस के गोले के ऊपर पड़ती है जो अर्थ का एटमोसफियर में मौजूद है, तो वो जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है। और गैस के आयोनाइज होने का मतलब यह है कि वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, समझ आ रही है बात। अर्थ के साथ साथ अर्थ का एटमोसफियर भी घूम रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में है चार्ज पार्टिकल, तो बताओ चार्ज पार्टिकल का मोशन हुआ या नहीं हुआ, डेफिनेटली मोशन हुआ भाई। अर्थ के साथ साथ अगर वो गैसियस एनवलप घूम रही है तो मोशन हुआ, और गैसियस एनवलप के मोशन से, चार्ज पार्टिकल के मोशन से करंट बननी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है पहली बात, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखेगा, और वो रिजल्ट ये है कि चार्ज पार्टिकल के मोशन करने से करंट बन जाएगी भाई। जैसे कि मैंने एक रिंग लिया स्टूडेंट, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको चैप्टर में फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है। मैंने एक रिंग लिया है, रिंग तो सब समझते होंगे। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को मैंने फैलाया या नेगेटिव चार्ज को फैलाया और रिंग को घुमाना स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो रिंग को घुमाने से क्या होगा, रिंग को घुमाने से रिंग के ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो भी घूमना स्टार्ट करेगा, वो भी मोशन करना स्टार्ट करेगा। रिंग घूमेगा तो रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो भी घूमेगा, और चार्ज के मोशन करने से करंट बनेगी। तो इन सारी बातों से जो रिजल्ट निकल कर आता है वो सिर्फ एक है, 20 बार मैं अभी तक बता चुका हूं, याद हो जाना चाहिए कि जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा बच्चों, चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तभी हमारी करंट बनेगी। जैसे आप इस इमेज को देखिए, किसी फॉर्मूले को मत देखिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। ये जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पॉजिटिव पार्टिकल मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई इनके मोशन करने से करंट बन रही है, क्या बन रही है, करंट। और यहां भी इन पार्टिकल के मोशन करने से क्या बन रही है, करंट। तो याद रखनी है आप लोगों को ये बात, इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ओके। तो बच्चों ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि करंट है क्या, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को स्टूडेंट, और यूनिट का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ properties of moving charges, okay? जो current electricity है वो physics की branch है जो deal करती है moving charge की properties के study के बारे में बच्चों, ठीक है। चलिए अब जो first heading हमारे सामने student आती है ना, जो पहली heading हमारे सामने आती है बच्चों, इस फर्स्ट हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग सबसे पहले बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, देखो यार बहुत मामूली सी बात है। हमने आपसे कहा कि जब करंट बनेगी या करंट पास होगी तो चार्ज पार्टिकल पास होंगे ना, चार्ज पार्टिकल। अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई चार्ज जरूर मौजूद रहेगा। तो हम ये कहेंगे एक सेकेंड के अंदर किसी भी वायर के अंदर से जितना चार्ज पास होने वाला है वही हमारी करंट कहलाएगी बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बहुत आसान है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड बाय मूविंग चार्जेस। ये बात तो हमने आपको बता दी है भाई, डेफिनेशन हमारे सामने ये है कि किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर से एक सेकेंड में
कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा, कितना चार्ज बहकर जाएगा, वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। बच्चों देखो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को दिख रहा है भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते जा रहे हैं, तो एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज पास होगा, ना कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कितना चार्ज पास होगा, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का नाम देने वाले हैं। बच्चों तो डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे सामने बड़ी ही इजी है, ठीक है, डेफिनेशन बहुत आसान है हमारे सामने, आप लोगों को ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्या है डेफिनेशन भाई? डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे सामने डेफिनेशन है बच्चों, ओके। हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम जो डिनोट करने वाले हैं ना बच्चों, वो आई से डिनोट करने वाले हैं और फॉर्मूला होने वाला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट की जो एस आई यूनिट रहने वाली है वो रहेगी एम्पियर, दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरी यूनिट रहेगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट बनेगी कूलम्ब पर सेकेंड, ओके। सो हमने करंट इलेक्ट्रिक, देखो भाई पहली क्लास में तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहने वाला है आप लोगों का। हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, हमने आपको बताया कि करंट बनेगी कब, जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। हमने आपको करंट की डेफिनेशन बताई, करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन ये है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करके जाएगा वो हमारी करंट कहलाएगी। बच्चों सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट ये करंट का, इससे बेसिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसकी जो SI यूनिट है वो है एम्पियर और जो अनदर यूनिट है वो है कूलम्ब पर सेकंड। ये करंट की अनदर यूनिट है स्टूडेंट, अनदर यूनिट ऑफ करंट कूलम्ब पर सेकंड। अब हम यहां से ये कहते हैं भाई, ध्यान से मेरी बात को सुने, कि जो करंट है हमारे पास में वो टू टाइप की है स्टूडेंट, जो करंट है अपने पास में वो टू टाइप्स की है। कैसे हम कैसे बताएंगे कि कौन सी करंट क्या है? मुझे ये बताओ, यहां भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो ये भी करंट है, यहां भी चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं तो ये भी करंट है, ठीक है। ये वाली जो करंट है, यहां पॉजिटिव पार्टिकल फ्लो कर रहा है, हमें कैसे पता? क्योंकि ये पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव पार्टिकल है। जिस करंट में पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, यानी जो करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से बनती है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉन्वेंशनल करंट। कॉन्वेंशनल करंट, ये करंट हमारी कॉन्वेंशनल करंट स्टूडेंट कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ये करंट कॉन्वेंशनल करंट कहलाती है। और जिस करंट के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, उस करंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब है जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगी। 99% केसेस में ना बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, 99.9% केसेस में कहेंगे हम तो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। सिर्फ 0.1% केस ऐसे होते हैं जहां पर कन्वेंशनल करंट होती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं। ये करंट कहां होती है? ज़्यादातर हमारी जो न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें जो करंट होती है वो हमारी ये वाली करंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पूरी बात अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखते रहिएगा, मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कॉन्वेंशनल करंट कहाँ होगी, एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। 11th क्लास के अंदर या कभी 9th क्लास के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की जाती है, ये बताने के लिए कि एटम के अंदर क्या है। इसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आप देखो, वहां गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई थी, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की फॉइल के ऊपर फेंका गया था। अल्फा पार्टिकल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चार्ज चल के आएगा और गोल्ड की फॉइल से टकराएगा,
जब पॉजिटिव चार्ज चल के आएगा और गोल्ड की फॉइल से टकराएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के चलने से कौन सी करंट बनेगी? कॉन्वेंशनल करंट। तो 0.1% केस ऐसे हैं, वो भी सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट है जहां पर ये कॉन्वेंशनल करंट मिलती है बच्चों। और इलेक्ट्रॉनिक करंट तो हर जगह मिलती है भाई, हर जगह। हमारी जो स्क्रीन चल रही है वो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट से चल रही है, हमारी जो लाइटें चल रही हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट से है, हमारा फोन चल रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक करंट से है, यानी हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऊपर बेस्ड हैं, और ये हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मिलने वाली करंट है भैया। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये एक वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ये एक वायर है जिसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। आपको सिर्फ एक पार्टिकल दिखा देना है, बीच में सिर्फ एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिखा दीजिएगा। यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है और यहाँ नेगेटिव पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, सिर्फ ऐसे दिखा दीजिएगा बच्चों। समझ आ रही बात आप लोगों को? ये कंडीशन हमारे सामने रहेगी, कॉन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई, कब बनेगी? जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है भैया, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड करंट। टू टाइप्स की है, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो कॉन्वेंशनल, जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक। इसे प्रैक्टिकल करंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली यही करंट यूज में आती है बच्चों, ठीक है। करंट का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूले मैं आपको कम से कम 10 बताऊंगा उसके ऊपर, लेकिन जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। करंट की जो एस आई यूनिट है वो एम्पियर है, और जो अनदर यूनिट है वो है कुलम्ब पर सेकेंड, वो एम्पियर के ही इक्वल होती है बच्चों। तो बेसिक बातें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई हैं स्टूडेंट, ओके। डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर आप लोग जरूर बनाइएगा, और ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है, ओके स्टूडेंट। डायग्राम जरूर बनाना है भाई आप लोगों को, डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे सामने आगे बनने वाली है। भाई जो अगली सिचुएशन हमारे सामने बनेगी वो है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की। ये तो आपको बता दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट मूविंग चार्ज से बनेगी, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी बता दी है, ऐसा यूनिट भी बता दिए, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमने आपको बताया कि इसकी जो एस आई यूनिट है वो एम्पियर है। एस आई यूनिट क्या है? एम्पियर, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या है? कुलम्ब पर सेकेंड, कुलम्ब पर सेकेंड। लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट रहती है ना बच्चों, जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट रहती है, प्रैक्टिकल यूनिट यानी प्रैक्टिकली हम जिन यूनिट्स का यूज करते हैं उनका नाम है एम्पियर। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। उसके बाद में है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यानी 10^-3 एम्पियर। उसके बाद में है 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10^-6 एम्पियर। ये तीन यूनिट इसकी प्रैक्टिकल है भैया, ये दो यूनिट कॉमन है, ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों हम लोगों ने बात की करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, एसआई यूनिट है एम्पियर और कुलम्ब पर सेकेंड। दो टाइप्स की हमारे पास में स्टूडेंट करंट है। जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो कन्वेंशनल करंट है, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी जितने भी करंट के प्रैक्टिकल यूज़ हैं, जो हम अपने आसपास करंट के प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिसके अंदर करंट का यूज़ होता है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है स्टूडेंट, ना कि इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखें, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है ना कि इलेक्ट्रिक करंट, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को अभी तक बता चुका हूँ, हमने आपको बता दिया है कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में। जहां इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन चलेगा, जहां चार्ज पार्टिकल चलेगा,
उसकी स्टडी को हम डालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी के अंदर बच्चों। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वो है हमारे सामने बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि भाई जब भी चार्ज मोशन करेगा, जब भी चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, चाहे वो मोशन कैसा भी क्यों ना हो, तभी हमारी करंट डेवलप हो जाएगी। करंट की बेसिक चीजें हमने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको वो बेसिक चीजें सभी समझ आ गई होंगी। अब हमारे सामने जो पॉइंट आता है ना बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ करंट। हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ ली है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी करंट की डेफिनेशन, क्योंकि उसके अंदर कुछ इतनी बड़ी खास बात है नहीं। जो मेन काम है वो यहाँ पर है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ करंट। करंट के टाइप्स हम आपको बता चुके हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर करंट हमारी दो तरीके की होती है बच्चों। करंट के और भी टाइप होते हैं जैसे कि एसी और डीसी, लेकिन वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम कहीं और जाकर पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर हमने करंट के दो टाइप बनाए हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो हमारा कहलाएगा बच्चों कन्वेंशनल करंट, और जहाँ नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तक पहुँच पा रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ करंट की, यानी करंट के कितने फॉर्मूले हमारे सामने आते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि करंट के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे सामने आते हैं और कैसे हम उनके ऊपर प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ करंट में करंट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारे सामने आता है बच्चों, वो है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, करंट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट, जिसके अंदर से सारे फॉर्मूले निकल कर आए हैं, आपको बात बहुत अच्छे से समझ आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूंगा, जब मैं आपके सामने प्रॉब्लम कराना स्टार्ट करूंगा ना बच्चों, तब आप एक एक कंडीशन को बहुत रेक्टिफाई करके समझ जाएंगे। करंट का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम। ओके, इसके बाद भाई आप ये देखो बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने Q यानी चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, उस फॉर्मूले को हमने नाम दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग इस कैपिटल Q को हम लिख सकते हैं ne अपॉन टाइम। कैपिटल Q की जगह मैंने लिख दिया है ne। कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल e का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे कैपिटल Q इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिख दिया है भाई, कैपिटल Q को हम लोगों ने लिख दिया है कैपिटल N इंटू e। इसी बात से तो पता चलेगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हमने कैपिटल Q को लिखा है ne। हमारे पास में यहां पर बन चुके हैं दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और दूसरा फॉर्मूला है ne अपॉन टाइम। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे होंगे और आपको मेरी बात समझ भी आ रही होगी। ठीक है, ओके बच्चों, अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूले पर। ये दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में करंट इज इक्वल टू dq बाय dt। ये भी करंट का फॉर्मूला है हमारा, करंट इज इक्वल टू dq बाय dt। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज बच्चों हम तब करते हैं जब हम लोगों को Q, और Q का मतलब होता है चार्ज, हम लोगों को चार्ज की इक्वेशन गिवन दी हुई होती है ना बच्चों, जब चार्ज की हमें इक्वेशन दी जाती है कि भाई चार्ज की इक्वेशन ये है, करंट बताओ क्या होगी, आप क्या करोगे, चार्ज के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और जो भी टाइम की वैल्यू होगी वो उसके अंदर पुट करोगे, तब जाकर कहीं आपकी करंट निकलेगी बच्चों। यानी ये समझिए कि जब चार्ज की इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है और उस चार्ज की इक्वेशन से आपको करंट फाइंड आउट करनी है, तब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा। हमारे सामने दो फॉर्मूले हो चुके हैं बच्चों करंट के,
एक फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, कैपिटल क्यू अपॉन टाइम या एन ई अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला है डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाय डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आगे। चलो भाई ये सिचुएशन तो मेरे सामने बन गई, ये तो मेरे सामने कॉमन फॉर्मूले है भाई, कॉमन फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, वो सब बातें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा। ये फॉर्मूला नंबर एक है, ये फॉर्मूला नंबर दो है। ठीक है, देखो अब थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में क्या होने वाला है। पहले मैं आपको थर्ड सिचुएशन बताता हूँ क्या होगी। थोड़ा सा सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करिएगा बच्चों की सिचुएशन क्या है और कैसे हम लोग इसे इमेजिन करेंगे। देखो भाई ये रहा मेरे पास में न्यूक्लियस, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है बच्चों। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो v है, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो r है। बात बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो e है और जो रेडियस है वो r है। अब मुझे ये बताओ कि करंट यार कब बनती है, करंट बनती कब है। मैंने आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट इसी बात में लगा दिए कि मैं आपको ये समझा सकूं कि करंट बनेगी तो बनेगी कब। बच्चों करंट तब बनेगी जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। चार्ज पार्टिकल के मोशन करने की वजह से करंट बनती है। स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे हमेशा, चार्ज पार्टिकल के मोशन करने की वजह से करंट बनेगी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है या नहीं है। आप कहेंगे कि सर डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन करने से डेफिनेटली करंट डेवलप होगी बच्चों, होगी ना। अरे यार करंट, करंट की डेफिनेशन क्या है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करंट। जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। बताओ करते हैं या नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है और अगर यहां ये ऑर्बिट के अंदर घूमेगा तो पक्का ये करंट बनाएगा। क्या बनाएगा, करंट। हमें देखनी है कि वो कितनी करंट होगी। तो उसके लिए मैं कंडीशन आपको बताता हूं बच्चों कि कैसे आप लोग उस कंडीशन को निकालेंगे। देखो हमारे पास में करंट निकालने का फॉर्मूला है ये। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है भैया। मैं एक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल घुसा दूंगा आपके दिमाग में, रटा दूंगा आपको बिल्कुल अच्छे से। करंट का फॉर्मूला हमारे पास में ये है, एन ई अपॉन टाइम, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और T है हमारे पास में टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, यहां कैसा इलेक्ट्रॉन है, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो N की जगह आ जाएगा 1 इंटू E और अपॉन हो गया है टाइम। अरे एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, एक ही तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो N की जगह आ गया है 1, इलेक्ट्रॉन है स्मॉल E और यह है टाइम। ठीक है, टाइम कौन सा है, ये टाइम है कौन सा भाई, कौन सा टाइम है। मैं कहूंगा भाई ये टाइम है एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो स्मॉल टी है। चलो देखते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगेगा कितना। कैपिटल टी मैंने लिख दिया, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। अब आप देखो बच्चों, करंट इज इक्वल टू स्मॉल ई, टाइम को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, पहले तो आप ये समझिए कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो कैपिटल एन की जगह मैंने वन रखा। ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये कैपिटल टी है। पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये हमारा कैपिटल टी कहलाएगा। अब आप देखो पूरा चक्कर का टाइम मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई, पूरे राउंड में ये 2 पाई आर की डिस्टेंस चलेगा और इसकी जो स्पीड है वो v है। तो टाइम का तो बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई आर, स्पीड कितनी हो गई v की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और ये हमारे पास में बन जाएगा ve अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, ये हमारी करंट की वैल्यू होगी बच्चों।
इतनी करंट डेवलप होने वाली है अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम की ऑर्बिट में घूमेगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। मैं कहूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी करंट डेवलप होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा टर्म किस बात को रिप्रेजेंट करता है। V का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, और R का मतलब है ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो वो इतनी करंट बच्चों बनाएगा। तो अब आप देखिए मेरे सामने तीन फॉर्मूले हो चुके हैं, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। जब मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा तो मैं इन्हीं तीन फॉर्मूलों का यूज करके अपना काम करूंगा बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या बात करनी है और आगे की सिचुएशन हमारी क्या रहने वाली है, जरा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने करंट का एक फॉर्मूला बनाया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला बना एनी अपॉन टाइम, जरूरत पड़ने वाली है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। करंट का दूसरा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मैंने आपसे कहा कि भाई इस फॉर्मूले का यूज आपको कब करना है, जब चार्ज आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया जाएगा तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है बच्चों। जब चार्ज आपको काहे की फॉर्म में दिया जाएगा, इक्वेशन की फॉर्म में दिया जाएगा, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अभी तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा जो हमें काफी इंपॉर्टेंट लगा बच्चों, वो कौन सा है तीसरा फॉर्मूला, जरा जाने आप लोग। तीसरा फॉर्मूला ये है कि यहां पर है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है हमारे पास में रेडियस आर, ये है इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन की स्पीड वी। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और चार्ज पार्टिकल के चलने से करंट बनती है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में घूमेगा तो यहां भी तो चलेगा ही। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल अगर ऑर्बिट में घूमेगा तो डेफिनेटली करंट प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोगों को देखना है कि भाई ये कितनी करंट प्रोड्यूस करने वाला है। तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने से इतनी करंट प्रोड्यूस होगी बच्चों, ये करंट प्रोड्यूस होने वाली है। इस फॉर्मूले में सिर्फ दो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल क्या है, एक तो वी, वी का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, और एक है आर, आर का मतलब है ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, स्मॉल ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और पाई तो आपको पता ही है कांस्टेंट रहता है। ये चार फॉर्मूले हमारे सामने हो चुके हैं बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ नीट और जेई एग्जाम के लिए है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नीट और जेई वालों के लिए है, ठीक है फॉर्मूला यही शॉर्ट तरीका है भाई। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे V की वैल्यू रखनी पड़ेगी, E की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रेडियस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा तामझाम बनाकर, तब कहीं जाकर मेरा आंसर निकलेगा। लेकिन यहां हमें क्या करना है जरा समझिए ध्यान से भाई। मैंने माना कि ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रही ऑर्बिट, ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये रही ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में है ये रहा इलेक्ट्रॉन, रेडियस है आर, इलेक्ट्रॉन वी स्पीड से चक्कर लगा रहा है, चार्ज है इतना स्मॉल ई। हमें बताना है कि कितनी करंट बनेगी। मैं इस बार इस फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाला हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो करंट बनेगी ना बच्चों, वो होगी 1.06 जेड स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब मिली एम्पियर। लो भैया, इतनी करंट बनने वाली है इलेक्ट्रॉन के इस ऑर्बिट में घूमने से। एक सीधा, सटीक और बहुत सुंदर फॉर्मूला है जो आप लोगों का सवाल चुटकियों में सॉल्व कर देगा।
अगर सवाल आता है ऐसे तो बोर्ड का मेथड, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मेथड है वो ये है, अगर आता है ऐसे तो कंपटीशन एग्जाम के लिए जो मेथड है वो ये है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं दोनों के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहां कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अब आप देखिए ध्यान से कि कौन सा टर्म हमारा यहाँ क्या कहलाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1.06 जेड स्क्वायर अपॉन एन की क्यूब मिली एम्पियर। यहाँ जो जेड आपको दिख रहा है ना बच्चों, जेड, इस जेड को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जेड हमारा कहलाता है एटॉमिक नंबर और एन कहलाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है बच्चों। और ये जो मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर, इस मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, ये इसका मतलब होता है बच्चों, ठीक है। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और मिली एम्पियर का मतलब है 10 की पावर माइनस 3। अभी इसका एग्जाम्पल तो मैं रोक देता हूं, सबसे पहले आपको इसी का एक एग्जाम्पल बताता हूं बच्चों में, क्या एग्जाम्पल होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझे भाई। एग्जाम्पल मेरे पास में ये आया, ठीक है, हमें कहा गया हीलियम, हीलियम, हीलियम एटम की बात हो रही है, हीलियम एटम की दूसरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हीलियम एटम की दूसरी ऑर्बिट में, ठीक है, हीलियम प्लस मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, हीलियम प्लस या खाली हीलियम भी हम लोग बोल सकते हैं, हीलियम की दूसरी ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों। तो आपको ये बताना है कि बताइए कितनी करंट बनाएगा। अब बात किसकी हो रही है भाई, बात हो रही है हीलियम की। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, बताओ होता है या नहीं होता है। हम कहेंगे भाई हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा Z वो होगा 2, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, ओके समझ आ रही है बात। इसके बाद देखिए ऑर्बिट का नंबर ऑलरेडी हम लोगों को गिवन दिया है, ऑर्बिट का नंबर भी है 2, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, करंट इज इक्वल टू 1.06, जेड की जगह रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, एन की जगह रखेंगे 2, क्यूब हो जाएगा 8, मिली का मतलब है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ये इससे कैंसिल आउट एंड द फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर क्या बनेगा भाई, 1.06 को 2 से डिवाइड करोगे ये बनेगा 0.53 into 10 to the power minus के 3 एम्पियर, ये कंडीशन हमारी बनेगी बच्चों। यानी हीलियम की दूसरी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो इतनी करंट बनाएगा। अरे यार फॉर्मूला याद रखना है बस, उसने कहा है हीलियम तो Z हो गया 2, उसने कहा दूसरी ऑर्बिट तो N भी हो गया 2, वैल्यू पुट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, आसान, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी करंट की जो भी प्रॉब्लम बनेगी, करंट का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन सब के ऊपर बेस्ड बनेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस ये समझ लो कि अभी तक हमने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं, और वो क्या है कि चार्ज के मोशन करने से, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज के मोशन करने से करंट बनेगी। करंट की डेफिनेशन यह है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में बात की है करंट के बेसिक्स की, करंट क्या होती है, चार्ज के मोशन करने से करंट बनती है, उसकी यूनिट्स वगैरह क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी है ये ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक सम को, जो एल्जेब्रिक सम होता है उसे शो करती है बच्चों, ओके। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लास के अंदर बता दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्टिंग का लेक्चर है, बड़ा बेसिक सा लेक्चर है, कुछ है नहीं इसके अंदर बहुत कुछ, फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना है। कल से हम करंट के न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और अभी से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग को साथ साथ करके चलेंगे, ठीक है, ओके बच्चों।
तो बच्चों अब बारी आती है रिवीजन की। ठीक है, हमने कहा था ना कि रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, तो रिवीजन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया। सबसे पहले एनसीईआरटी, जो यूनिट हम पढ़ चुके हैं पहले, उसकी एनसीईआरटी का एक एक सवाल मैं खुद आप लोगों को कराऊंगा। एग्जाम्पल हम लोग खुद एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारे पास में बना बच्चों वो ये बना, कंसीडर थ्री चार्जेस, कुछ इस तरीके से तीन चार्जे हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सेंटर पर कितना फोर्स काम करेगा। सेंटर पर यानी यहाँ सेंट्रॉइड पर, इसे सेंट्रॉइड बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ कितना फोर्स काम करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो चार्ज है मेरे पास में यह है प्लस क्यू, ये भी जो चार्ज है मेरे पास में ये भी है प्लस क्यू, ये जो चार्ज है मेरे पास में ये भी है प्लस क्यू, यहाँ एक चार्ज रखा है यह है क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज, ये प्लस क्यू इसे करेगा रिपेल इस तरफ, ये प्लस इसे करेगा रिपेल इस तरफ, ये प्लस इसे करेगा रिपेल इस तरफ। समझ आ रही बात, एक बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं स्टूडेंट में आप लोगों को ना, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, उतनी ही इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी चार्जेस का पेयर और डिस्टेंस, चार्जेस का पेयर और डिस्टेंस, चार्जेस का पेयर और डिस्टेंस बराबर है ना बच्चों। अरे बराबर है गधो, तो ये भी फोर्स क्या कहलाएगा एफ, ये भी कहलाएगा एफ, ये भी कहलाएगा एफ, तीनों फोर्स हो चुके हैं एफ। एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर काम कर रहा है एफ, एक इधर काम कर रहा है एफ, एक नीचे काम कर रहा है एफ। इलेवेंथ क्लास के अंदर एक थ्योरम थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लामीज थ्योरम। वो लामीज थ्योरम ये कहती है कि अगर एक पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स काम करते हैं और उनके बीच का एंगल सेम है, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, देखो ये फोर्स भी एफ, ये फोर्स भी एफ, ये फोर्स भी एफ, इनके बीच का एंगल भी सेम, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो जिस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा है टोटल फोर्स जीरो के बराबर होगा, ये हमारी लामीज थ्योरम कहती है। बच्चों देखो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके तीनों कॉर्नर के ऊपर मुझे चार्जेस दे रखे हैं, ये प्लस वाला इसे रिपेल करेगा नीचे की तरफ, ये प्लस इसे रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस इसे रिपेल करेगा इस तरफ, एक पॉइंट के ऊपर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, इनके बीच का एंगल भी सेम है, अगर तीनों की वैल्यू भी सेम है, तीनों के बीच का एंगल भी सेम है, तो लामीज थ्योरम के मुताबिक जिस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगा और उस पर काम करने वाला टोटल फोर्स जीरो के बराबर होगा। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है बच्चों। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाए, आपका काम यह है कि आपको भी वो सारी प्रॉब्लम्स करनी है बच्चों। इससे आप लोगों का ना एक कनेक्शन नहीं ब्रेक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, आपका कनेक्शन बना रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, आप भूलेंगे नहीं चीजों को। ठीक है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम है। क्या है मैं आपको बताता हूं जरा। एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मुझे 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है, एक इलेक्ट्रॉन गिरता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे ये बताना है कि कितने टाइम में ये यहां से यहां जाएगा। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहां रेस्ट में है, यू इक्वल टू जीरो है, तो मैं लगाता हूं मोशन की सेकेंड इक्वेशन, मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन यहां रेस्ट में है तो u की वैल्यू जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, मेरे पास में टाइम की वैल्यू बनी t स्क्वायर इज इक्वल टू 2y अपॉन a, और t की जो वैल्यू बनी है ना मेरे पास में स्टूडेंट, वो बनी है t इज इक्वल टू 2y अपॉन a। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक्सीलरेशन होता है, याद करिए मैंने बताया था कई कई बार आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक्सीलरेशन होता है, फोर्स ही तो हमारा QE के बराबर होता है और फोर्स ही हमारा MA के बराबर होता है, तो वहां से अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो एक्सीलरेशन निकल कर आएगा QE अपॉन M, M पहुंच जाएगा ऊपर, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है। अब आप देखो Y, यानी ये दे रखा है आपको, ये Y की वैल्यू है, ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 into 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। वाई की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, बाकी दो डेटा मुझे पता है, वैल्यू पुट करूंगा, टाइम निकल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इतना टाइम लगने वाला है बच्चों। और अगर यही बात मुझसे प्रोटॉन के लिए पूछी होती तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, वाई और ई की वैल्यू तो सेम ही रहती, बस यहाँ प्रोटॉन के डेटा का इस्तेमाल होता। प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻²⁷ और प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होता है, तो प्रोटॉन का हमारा टाइम निकल जाता। अरे मैं अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखूँगा तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और अगर मैं यहाँ प्रोटॉन का डेटा रखूँगा तो पता चलेगा कि प्रोटॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को करने हैं बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है। आज की क्लास हमने आपको पढ़ा दी है, बस यही आप लोगों की आज की क्लास है, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट करेंगे।